हेलो दोस्तों, मेरे नाम संगत कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल अंगद लैब बला पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डीएमएलटी वर्सेस बीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वर्सेस बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कौन बेस्ट कोर्स होता है। यदि आप 10+2 से इंटर करते हैं साइंस के बाद, उसके पास आपको कोई भी डिप्लोमा या बैचलर डिग्री के लिए बेस्ट टेक्निकल डिग्री के लिए आप सोचते हैं, तो उसमें आपको इस दोनों में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि सबसे बेटर कोर्स कौन होगा, डीएमएलटी या बीएमएलटी, इसमें कौन अच्छा कोर्स रहेगा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर जो सब्सक्राइब वाला आइकन दिख रहा है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ये जान लेते हैं डीएमएलटी होता क्या है। डीएमएलटी होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये हो गया डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बीएमएलटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब ये हो गया डिप्लोमा लेवल, ये हो गया बैचलर लेवल। इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना साल होता है, ये आपको डीएमएलटी करवा देगा 2 साल में और बीएमएलटी आपको 3 साल में। और इसका लेवल क्या होता है, ये आपको डिप्लोमा लेवल पे होगा, ये आपको बैचलर लेवल पे होगा, यानी ये डिप्लोमा और बैचलर। इसका एजिबिलिटी क्या चाहिए, बोथ में आपको एजिबिलिटी चाहिए 50% इन 10+2 साइंस से रहना चाहिए, 50% मार्क रहना चाहिए। और डिप्लोमा करने के बाद हायर एजुकेशन आप क्या कर सकते हैं, बीएमएलटी, और बीएमएलटी करने के बाद क्या सकते हैं कि एमएमएलटी कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं इसमें। तो इसमें से आपको अब ये सोचिएगा कि इसमें कौन में हम बेस्ट है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें से कौन करे ना करे। तो हम देखिए, डीएमएलटी में क्या होगा कि आपको 2 साल डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैचलर करना चाहिएगा तो फिर आपको 2 साल लग जाएगा। यानी कि देख लीजिए कि आप जैसे डिप्लोमा किए, डिप्लोमा के बाद आप हायर एजुकेशन बीएमएलटी करने जाइएगा तो फिर आपको 2 ईयर लगा देगा, तो यानी कि सब मिला करके 4 ईयर हो गया, सब मिला के कितना हो गया, 4 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया। और यदि आप वही बीएमएलटी एक बार में ही बीएमएलटी ही कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको फिर से आपको बीएमएलटी यानी कि 1 साल का आपका बचत हो जाएगा, 1 साल आपका बच जाएगा। 1 साल में आप एमएलटी में जैसे नाम लिखवा लिए तो मास्टर डिग्री आपका 2 साल का होगा, 2 ईयर का होगा, तो मास्टर डिग्री अब तक में 1 साल तो आप कंप्लीट कर जाइएगा मास्टर डिग्री में। यदि आप मास्टर डिग्री में एमएलटी करते हैं उसके बाद आप पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी 3 साल, 3 साल इंटर्नशिप लगा करके 3-4 साल का होता है, तो 4 साल का होता है, ये कर लिए तो आप क्या हो गया कि आप एक पीएचडी यानी कि पैथोलॉजिस्ट हो गए। क्या हो गए, पैथोलॉजिस्ट हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं, तब आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 50+। यदि आप डीएमएलटी सिर्फ कीजिएगा तो डीएमएलटी में आपको 15,000 मिलेगा, बीएमएलटी में भी आपको 15 से 20 हज़ार मिलेगा, यानी दोनों कोर्स में सेम रुपया मिलेगा। लेकिन वही आप यदि बैचलर डिग्री करके एमएलटी करके पीएचडी करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा रुपया मिलेगा। इसी कारण हमारे हिसाब से हम सजेस्ट करेंगे कि आप डीएमएलटी ना करें, बीएमएलटी ही करें। बीएमएलटी करने से आपको मास्टर डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसमें फ़ायदा है। तो आप क्या हुआ, यदि आप डीएमएलटी करते हैं आपके पास टाइम कम है तो एक ऑप्शन ये भी है, डीएमएलटी भी आपके लिए एक ऑप्शन सही ही है कि आप 2 साल में कहीं पे डिप्लोमा किए उसके बाद आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन सरकारी वैकेंसी में अधिकतर आपको क्या होगा कि बैचलर डिग्री मांगता है, तो इसी हिसाब से आप बीएमएलटी ही करें। बीएमएलटी बेस्ट ऑप्शन है डीएमएलटी के तुलना में, क्योंकि आपको फिर 1 साल का आपका 1 साल सेव भी हो जाता है, 1 साल बच भी जाता है। उधर आप एमएलटी कर लिए, पीएचडी कर लिए तो आपका अच्छा खासा पैसा सैलरी हो जाएगा। वैसे डीएमएलटी करने पे बहुत कम मात्रा कम सैलरी दिया जाता है, क्योंकि ये एक डिप्लोमा डिग्री हो गया, बैचलर डिग्री में थोड़ा अंतर होता है, कोर्स ड्यूरेशन में भी अंतर है, सिलेबस में भी अंतर है। तो हमारे हिसाब से बेस्ट कौन रहेगा, आप बीएमएलटी ही करें। तो आई होप ये डीएमएलटी बीएमएलटी में आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।